नौवीं और दसवीं तिथि को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग जो अपने घरों में कलश स्थापन किए हुए, कब वो कलश विसर्जन करें और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। नवरात्रि में हर घर में कलश स्थापन होता है और कलश स्थापन के साथ ही माता दुर्गा का पूजन नवरात्र प्रारंभ होता है। तो प्रतिपदा से आरंभ होकर के नवमी पर्यंत कलश की पूजा होती है, लोग अपने घर में नवरात्र करते हैं। इस बार नवमी और अष्टमी एक दिन पड़ा हुआ है, जिसके चलते आपका विसर्जन जो है, कलश का विसर्जन एक ही साथ दसवीं को होगा। दसवीं यानी शनिवार 2 बजे दिन के बाद आप कलश जो है विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त 2 बजे के बाद दसवीं में। आप जो है कलश का विसर्जन तो नवमी में होता है, लेकिन प्रातः काल 6:52 तक जो नवमी है, इसी में आपको पूजन भी करना है और दसवीं में विसर्जन करना है। लेकिन प्रवाहित, जिसको विसर्जन हम लोग कहते हैं विसर्जित, वो 2 बजे के बाद आप कर सकते हैं।